रत्नागिरी से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर कसो फनसोफ हाईस्कूल में बहन सानिका के आज डांस है। हम अभी वही देखने के लिए चलते हैं और उसके बाद हमने वैंगनी बीच जाने का भी प्लान किया है। तो अभी पहुंच चुके हैं कसो फनसोफ हाईस्कूल में। तो डांस शुरू होने से पहले ही हॉल पूरी तरह से भर जाता है, इसलिए हमें डांस खिड़कियों से या फिर दरवाजे से देखना पड़ता है। तो डांस को आधे में ही छोड़कर हम बीच में जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम सानू के घर जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद इसी रास्ते से हम वैंगनी बीच जाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। वैंगनी बीच देखने में काफी खूबसूरत भी है और ये मैं अभी सेकंड टाइम जा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जाते जाते इन हरियाली को देख मेरा मन आनंद से भर गया, आगे और भी आनंद से भरने वाला है। आप लोग भी कभी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से सेफ और स्लो राइड करते हुए ही आना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वैंगनी बीच और शुरुआत का नजारा देख सकते हो कितना प्यारा है। वैंगनी बीच रत्नागिरी से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब मैंने ये बीच पहली बार देखा और यहाँ की हवाओं में जो सुकून है उसे महसूस किया, तब मेरे मन में एक क्षण के लिए विचार आया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ रत्नागिरी। दूसरे टाइम आने के बाद भी वैंगनी बीच को लेकर हमारे मन में कितनी खुशी है ये हमारे दौड़ने से ही समझ सकते हो। और यहाँ का पानी स्वच्छ है। अब कहीं भी घूमने के लिए जाना है तो फोटोज ना निकाले ऐसा हो ही नहीं सकता। हम चारों ने बहुत फोटोज निकाले। जब आप ऐसे किसी भी समुद्र तट पर घूमने के लिए आए, समुद्र से ज्यादा बाहर जाने की कोशिश ना करें। और आप लोग इस मछुआरे को देख सकते हो और अब तक तो इसे कुछ मिला है ऐसा लगता तो नहीं है। जैसे जैसे वक्त ढल रहा था वैसे वैसे सूरज पानी के अंदर जाते दिखाई दे रहा था और मौसम भी अच्छा होते जा रहा था। बीच के प्रत्येक कोने कोने पर नजर मारने के बाद और इन समुद्र के लाटाओं को देख मेरे मन को और एक बार परम शांति की अनुभूति हो रही थी और यहाँ की हवा मन को प्रसन्न कर रही थी। तो अभी हमारा समय आ गया था यहाँ से जाने का। जाते जाते इन सुंदर नजारे को भी देख लो। तो अभी शाम के 7 बजते आ रहे हैं और मेरा अभी जाने का मन नहीं हो रहा था। बहुत शाम हो चुकी थी इसलिए मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है। तो जाते जाते प्रणव मुझे ग्रीनरी के फोटोज दिखाता है और सच में इसके फोन से फोटो बढ़िया आ गए हैं। स्पेशली इसका फोन पोको का है जो इसने हाल ही में खरीदा है और मैं फोटो और वीडियो रेडमी 9 फोन से करता हूँ। बस इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है इसलिए मैंने ये लिया था। और आपके हिसाब से कैमरा क्वालिटी में सबसे बेस्ट फोन कौन सा है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना। गाड़ी हमने आगे नहीं लाई थी, इसका रीजन ये है कि बारिश के कारण मिट्टी थोड़ी दलदल जैसी दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने गाड़ी आगे नहीं लाई थी। ओके, तो अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी काफी रात भी हो चुकी है। तो अभी पहुंच चुके हैं सानू के घर और यहाँ पे मेरा सिंगिंग मूड देख सकते हो और इस मनी को भी देख सकते हो कितना प्यारा है। और श्रवण इसके साथ बहुत प्यार से खेल रहा है और उसे प्यार से सहलाने के बाद ये मन में ही सोच रहा होगा। तो अब यहाँ से खाना खाने के बाद बहुत रात हो चुकी थी इसलिए सानू हमें उसके घर से हम सबको प्यार से विदा करती है। तो इसी के साथ हमारा आज का दिन खत्म हो जाता है। अब वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक